कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था, और मुझे लगता है कि यार व्यास जी नहीं देंगे तो कौन देगा, व्यास जी खुद बहुत अच्छे डांसर थे। और जब 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में व्यास जी को महामंत्री बनाया गया था, और जब जोधपुर रियासत उनके जोधपुर आने पर पाबंदी लगा देती है, तो व्यास जी बॉम्बे चले गए थे, अखंड भारत निकालना शुरू किया था वहां से अखबार, अखबार से तो कमाई कैसे हो। तो व्यास जी ने खूब दिनों तक बॉलीवुड में ट्राई की थी कि यार बैक्स डांसर का मौका मिल जाए या डांस करने का किसी फिल्म में मौका मिल जाए, छोटा मोटा रोल मिल जाए तो थोड़ा यार काम धंधा तो चले, कमाई तो। फिर गंगा सिंह जी को जब पता चला था तो गंगा सिंह जी ने लेटर लिखा था व्यास जी यार अब ये काम छोड़ो यार, बॉम्बे वॉम्बे वाले काम तो छोड़ दो, अपने वापस जोधपुर आ जाओ, और पैसे टक्के चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा आपको। तो व्यास जी ने वापस कहा कि थैंक यू महाराजा साहब, पैसे तो नहीं चाहिए, आप तो आने वाला और व्यवस्था करवा दो, तक घर आ जाऊं तो फिर मुझे काम करने नहीं पड़ेगी। तो गंगा सिंह जी डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखते हैं, डोनाल्ड फील्ड बाद में कहता है भाई जयनारायण व्यास को वापस कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ध्यान रखना थोड़ी सी ये बात भी कि जयनारायण व्यास ने